आईपीएल 2021 से पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने इन तीन खिलाड़ियों को किया बाहर, इन्हें टीम ने किया रिटेन। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 से पहले होने वाली मिनी ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने 20 जनवरी बुधवार को खिलाड़ियों को रिलीज करने की आखिरी तारीख रखी है। तमाम फ्रेंचाइजी टीम के रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने तीन बड़े खिलाड़ियों को रिटेन नहीं करने का फैसला किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का है। इस साल होने वाली आईपीएल से पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट से मैक्सवेल को बाहर कर दिया है। पिछले सीजन में वह टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए थे। लगातार फ्लॉप होने की वजह से उनकी काफी आलोचना की जा रही थी। टीम ने पिछले सीजन में शानदार खेल दिखाने वाली टीम के अनुभव ओपनर क्रिस गिल को टीम के साथ बनाए रखा है। जिन खिलाड़ियों को किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने रिलीज किया है उनमें वेस्ट इंडीज के गेंदबाज सेल्डन कॉटरेल के साथ अफगानिस्तान के मिश्र स्पिनर मुजीबुल उल रहमान भी हैं। उनको टीम ने यूएई में खेले गए टूर्नामेंट में औसत गेंदबाजी करने की वजह से बाहर किया। टीम ने उनके विकल्प के तौर पर रवि बिश्नोई को रिटेन किया है। उनका प्रदर्शन इस सीजन में बहुत ही शानदार रहा था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी निशम और हार्डस विलोजन और करुण नायर भी शामिल हैं। वहीं एक साथ रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो केएल राहुल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, मंदीप सिंह, मोहम्मद शमी, क्रिस जॉर्डन, मयंक अग्रवाल, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन, दीपक हुड्डा, सरफराज खान, अर्शदीप सिंह, मुर्गन अश्विन, दर्शन नालकंडे, ईशान पेरोल, हरिप्रीत बरार। इसके अलावा दोस्तों टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो उनमें ग्लेन मैक्सवेल, सेल्डन कॉटरेल, कृष्णप्पा गौतम, मुजीबुल उर रहमान, जिमी निशम, हार्डस विलजोन और करुण नायर शामिल हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।